Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। महाराष्ट्र के आईपीएस अफसरों में से महाराष्ट्र में एकमात्र प्रेसिडेंट पुलिस मेडल का खिताब जीतने वाले 1990 बैच के आईपीएस अफसर बिपिन कुमार सिंह ने आज नवी मुंबई पुलिस आयुक्त के तौर पर अपना पदभार संभाला है। पूर्व पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बिपिन कुमार को नए आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी और आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने आज अपना पदभार संभाला। बता दें कि बिपिन कुमार सिंह इससे पूर्व एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल डीजीपी के पद पर कार्यरत रहे हैं। बिपिन कुमार महाराष्ट्र के एक ऐसे कार्यक्षम और निडर पुलिस अफसर हैं, जो अपने पारदर्शी कार्यों के साथ ही साथ संवेदनशील स्थिति में कड़क निर्णय लेने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर उन्होंने मालेगांव और जलगांव जैसे संवेदनशील भागों में कार्य कर अपने कार्यों की अनोखी छाप छोड़ी, तो वहीं बतौर वीआईपी सिक्योरिटी में इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर काम करते हुए उन्होंने वीआईपी लोगों के लिए नए कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू कर अपने अभूतपूर्व कार्यों का परिचय दिया। अपने कार्यकाल के दौरान इसी अनुभव के साथ आज उन्होंने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। मीडिया से मुखातिब होते हुए बिपिन कुमार सिंह ने पूर्व आयुक्त संजय कुमार से बैठक कर नवी मुंबई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर अपनी प्राथमिकता निर्धारित की है। तो चलिए दिखाते हैं नवी मुंबई आयुक्त के तौर पर पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से पहली बार मुखातिब होते हुए बिपिन कुमार सिंह ने क्या कहा। और ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज है, बड़ा साफ सुथरा शहर है और यहाँ के लोग भी बड़े ही कायदे को मानने वाले लोग हैं, कायदे का पालन करने वाले हैं सभी। बड़े मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग रहते हैं सब लोग अपने कहीं किसी कंपनी में, सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ काम करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा शहर है ये। पिछला जो अनुभव आप बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए और टीम वर्क के लिए जाने जाते हैं, तो उसका अनुभव नवी मुंबई में कितना कारगर आप साबित कर दिखाएंगे और क्या आपने यहाँ के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है? जी, आज मेरा पहला दिन है, अभी मैं अभी इसका आढ़ावा ले रहा हूँ। मैंने जो हमारे जो पुराने जो हमारे जो पुलिस आयुक्त महोदय संजय कुमार जी थे, उनसे मैंने पूरा चर्चा करके समझाया है कि अभी यहाँ पे क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और मैं सही है कि मैं अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में करीब 4.25 साल था, अभी वहाँ से आ रहा हूँ। उसके पहले मैं आईजी प्रेजेंस था, उसके पहले थाना में ज्वाइंट सिटी था, मुंबई में मैं डीसीपी था जोन 9 में, जलगांव में एसपी था, मालेगांव में था, तो वो सब तो हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी डीआईजी थे 5 साल। तो जो भी एक्सपीरियंस है पुलिस का काम, वो हम जितना भी यहाँ समझने के बाद में मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जो पूरी टीम है यहाँ की, सब लोग मिल करके मैक्सिमम डिटेक्शन करें, क्राइम कंट्रोल में करें, और उसके लिए हमारा जो भी अनुभव है, जो भी है सारा, हम उसको लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसमें हमको सक्सेस मिले। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह की प्राथमिकता, कोरोना की जंग से लड़कर पुलिस कर्मियों को सुरक्षा कवच देने पर रहेगा जोर। अभी जो पहला जो मेरा टारगेट होगा, अभी कोरोना से लेकर के आपको सबको पता है कोई नई बात नहीं है कोविड में, उसमें हम कैसे यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट हम स्पेशली हमारे जो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उसमें भी हमको पता लगा करीब काफ़ी लोग हमारे भी लोग अभी एडमिटेड हैं कोरोना सेंटर में, हमारे 2 सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, तो उसमें हम उनको और भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कितने अच्छे से उनको मदद कर सकते हैं ताकि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। और हम चाहेंगे कि सभी लोग जल्दी ठीक होकर फिर ड्यूटी पे आ जाएं,
हमारे बहुत सारे लोग जो कोरोना में क्वारंटाइन है या फिर तकलीफ़ हो रही है, तो वो कैसे, पहला प्रायोरिटी है कि हम उसमें और कैसे भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। और शहर में भी कोरोना में जहाँ तक पुलिस का जो काम है, हम अपनी भूमिका बखूबी यहाँ निभा रहे हैं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है और भी लोग हैं, सबको साथ में लेकर के जहाँ पे पुलिस की जितनी भी हेल्प की ज़रूरत है उसको लेकर के कितना बढ़िया किया जाए, वो हमारा एक आज के समय के अनुसार एक प्रायोरिटी होगा। दूसरी प्राथमिकता, बेसिक पुलिसिंग में सुधार। दूसरा, जो यूजुअल जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग के बारे में नई मुंबई में कोई बहुत सीरियस क्राइम का जो कुछ अगर कहीं पे हुआ है तो ऐसा मुझे कुछ खास पैटर्न बहुत वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गंभीर घटनाएं होती हैं। हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम यहाँ पे जो बेसिक पुलिसिंग है उसको हम और भी अच्छा करें। ऑलरेडी अच्छा है यहाँ पे, बट उसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि अभी हम विजिट करेंगे पुलिस स्टेशन में, कुछ लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा हमारा लिमिटेशन है कोरोना की वजह से, हम ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी कम्युनिटी पुलिसिंग की हमारी लिमिटेशन है। तो मेरा प्रायोरिटी रहता था कि मैं लोगों से बात करके लोगों की क्या समस्याएँ हैं, लोग क्या हमारे बारे में परसेप्शन रखते हैं, क्या उनकी परेशानियाँ हैं, कि इसमें हम कहाँ पर और अच्छा उसको कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। जो क्राइम है, क्राइम के बारे में हमारा जो ब्रेड एंड बटर है पुलिस का, क्राइम इन्वेस्टिगेशन अच्छा होना चाहिए, क्राइम का डिटेक्शन अच्छा होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होगा लक्ष्य। जो स्ट्रीट क्राइम है वो कोशिश करें कि ना हो, अगर है तो फिर उसको चेक होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। स्पेशली कुछ कुछ एरियाज में हमको रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पे कहीं चेन स्नैचिंग भी होती है, फिर रात में कभी घरफोड़ी भी होती है, हाउस ब्रेकिंग भी होती है। तो वो भी एक मेरा प्रायोरिटी रहेगा, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे तो खैर वैसे लोग बहुत अच्छे हैं न्यू बॉम्बे में, तो हमको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या आएगी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज में जहाँ पे कि अगर ज़रूरत है तो उस पर हम लक्ष्य देंगे, पूरा ध्यान देंगे, और हमारा पूरा रहेगा कि कोई भी यहाँ पे कायदा सुव्यवस्था की स्थिति बनी रहे, ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे सारे जो अभी DCPs हैं, मैंने इनसे बात भी किया अभी, तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रायोरिटी रहे। साइबर क्राइम को नियंत्रण में लाना और अधिक से अधिक केस दर्ज करवाने पर रहेगा फोकस। साथ में साइबर क्राइम की जो समस्या बढ़ रही है वो भी हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है। हम कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम जो है वो हम मैक्सिमम उसको रजिस्टर करें, डिटेक्शन हो, साइबर क्राइम को कैसे चेक में लाया जाए। और मुझे बताया था संजय कुमार जी ने, पुराने जो हमारे CP साहब थे, कि ऑलरेडी हमारी टीम जो है कहीं बाहर गई हुई है, लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ साइबर क्राइम में, क्योंकि साइबर क्राइम है, आप सबको पता है कि इसकी व्याप्ति जो है पूरे वर्ल्ड की है, कौन व्यक्ति कहाँ से कैसे क्राइम करता है, कौन सा नेट यूज़ करता है, कौन सा IP address यूज़ करता है, मशीन के पीछे कौन आदमी है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी क्राइम हो पुलिस स्टेशन में, जो लोग जाएँ वहाँ पर, तो क्राइम का जो रजिस्ट्रेशन है पूरा अच्छे से हो, मैक्सिमम जो केसेज जो साइबर के हैं डिटेक्शन अच्छा हो, हम सारे के सारे रिपोर्टिंग हमारे पुलिस स्टेशन में हो, पूरा FIR लें, या जो भी जिस तरह के केसेज हैं 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उस पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको डिटेक्ट करें, कम करें। ट्रैफिक के नियंत्रण को लेकर जल्द ही एक्शन प्लान। ट्रैफिक के बारे में जो है वो DCP ट्रैफिक भी यहाँ पे हैं अभी, मैं वो भी जरा एक कुछ कुछ जगह है जहाँ पे कि कभी कभी जाम लगते होंगे, वो हर शहर में होता है तो यहाँ भी होगा, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, सड़क तो उतनी ही है, तो कुछ उसका जरा मैं स्टडी करके कि किस एरिया में कौन से समय पे कैसे जाम होता है। और ऑलरेडी मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों ने अच्छा सिस्टम बना रखा है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, तो उसको और भी अगर ज़रूरत है तो हम करेंगे। मुझे बताया गया कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, फिर भी कहीं नहीं जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग काम करने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोग मुंबई सिटी की तरफ जाते हैं, तो उस समय क्या है उसको स्टडी करके ट्रैफिक के बारे में हम सोचेंगे। नवी मुंबई को सक्षम पुलिस प्रशासन देना मुख्य लक्ष्य। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नवी मुंबई शहर में एक हम अच्छा पुलिस प्रशासन दें, और शहर को हम
शांत रखें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कायदा सुव्यवस्था बढ़िया हो, क्राइम कम हो, क्राइम का डिटेक्शन हो, ओवरऑल एक अच्छी पुलिसिंग हो, और जो जनता है जनता का हम सहभाग भी चाहेंगे इसमें, और उनका जो समाधान होना चाहिए कि पुलिस के हमारे काम से लोगों में समाधान होना चाहिए, अल्टीमेटली वो हमारे कस्टमर्स हैं, तो जब भी सोसाइटी में कहीं भी है तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, क्राइम का रजिस्ट्रेशन हो, हमारे यहाँ जाते हैं कहीं कोई उनकी आड़ी अड़चन है, कहीं मिलना होता है उनको, तो वहाँ पे भी हमारे लोग अच्छे से उनसे बर्ताव करें, अच्छे से ध्यान दें, अच्छा, ताकि लोगों में एक जो ओवरऑल जो पुलिस का जो काम है अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस पब्लिक के सहकार्य से अपराध पर हो सकेगा नियंत्रण। पुलिसिंग का आधार है, पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है, अगर लोगों का जब कोऑपरेशन है तो फिर हम अच्छा पुलिसिंग कर पाएंगे, क्योंकि मुझे हमको तो हर जगह पे पुलिस यंत्रणा जो है वो तो आपके लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, लोगों के सहकार से बनी है, और लोगों के जब तक कि उसमें हर क्राइम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे ट्रैफिक हो, हर जगह अगर सहकार नहीं करेंगे, कोरोना भी है, अगर लोग सहकार नहीं करेंगे तो फिर हमको उतना उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, तो करना ही पड़ेगा लोगों को, तो दोनों मिलकर काम करना है, दोनों ने मिलकर शहर को अच्छा रखना है, बहुत अच्छा शहर है, इसको और अच्छा करना है, यहाँ पे क्राइम कंट्रोल में हो, कायदा सुव्यवस्था बढ़िया हो, कोरोना से भी हम उस पर यश मिले हमको, उस पर कंट्रोल हो, तो उसमें हमको तो हर स्टेप पे, हर जगह पे लोगों के सहकार की जरूरत पड़ेगी। और इन्वेस्टिगेशन में ना हो कमी, रहेगा जोर। क्राइम कंट्रोल कन्वेक्शन ये सब पर आपने कुछ विशेष प्लान बनाया है या कुछ लक्ष्य आपने तय किया? नहीं, हमारे देखिए महाराष्ट्र पुलिस में बहुत सारे SOPs ऑलरेडी हैं, इसमें कन्वेक्शन के बारे में भी बहुत सारे SOPs हैं, उसमें हमको काफ़ी यश भी मिला है, महाराष्ट्र पुलिस को हमारा जो कन्वेक्शन रेट है काफ़ी बढ़ा भी है, जो पिछले था कुछ सालों के पहले काफ़ी बीच में बार कम हो गया था, तो उसके बाद हमने मेहनत करके महाराष्ट्र पुलिस ने काफ़ी अच्छा किया है, बट फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो हमेशा रहेगी, और उसमें पुलिस का भी रोल है, प्रोसिक्यूशन का भी रोल है, तो सब ने मिल करके उसको कैसे हम देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना हो, और फिर उसको हम कोर्ट में जब ट्रायल हो तो हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उसको अटेंड करें, हम अच्छे से वहाँ पे अपने जो जितने भी एविडेंस हैं उसको वहाँ पे हम मस्टर करें, तो वहाँ पे भी हमको हो सकता है कि हमको और सक्सेस मिल जाए, ये तो चैलेंज है, और वो हमारा ब्रेड एंड बटर है इन्वेस्टिगेशन, तो हम उसको और अच्छा करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि हमको कनेक्शन मिले। महिला सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी। देखिए, ये हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है यहाँ पे, और पुलिस के लिए हमेशा महिला की जो सिक्योरिटी है, महिला सुरक्षा है, वो हमेशा मेरे ख्याल से हमारी टॉप प्रायोरिटी होती हो, और उसके कई भाग हैं, उसमें जो पब्लिक स्पेस में जो सिक्योरिटी है उसमें मिलना चाहिए, जो प्राइवेट स्पेस है, जो घर में कहीं प्रॉब्लम होती है उसमें तुरंत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई इंटरवेंशन करना है, तो वहाँ भी हमको कायदे के दायरे में रख के करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुंबई और नई मुंबई जैसे शहर में महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्या मुझे ऐसा लगता नहीं है, फिर भी मैं अभी अड़ावा लूँगा कि इस महिला सिक्योरिटी और सुरक्षा, महिलाओं संबंधित जो क्राइम है किस तरह से क्या ट्रेंड है, और वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो हमारी पूरी टीम है, हम सब लोग करेंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी महिला सुरक्षा और जो महिलाओं संबंधित जो गुनाह वगैरह है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी होगा। विपिन कुमार ने जिस प्रकार से अपने सफल और पारदर्शी कार्यों से अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, अब नवी मुंबई की भी यही अपेक्षा है कि वे अपने नए एक्शन प्लान के साथ नवी मुंबई की कानून व्यवस्था को और चाक चौबंद करने में सफल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार मालोंडकर के साथ मोनिका भोसले और अर्चना त्रिपाठी की रिपोर्ट।